नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपीटेट एग्जाम 2019। तो दोस्तों आज आपकी तारीख हो चुकी है 7 फरवरी 2020 की। दोस्तों हम बड़ी अपडेट्स देखने वाले हैं और बात करेंगे टुडे ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, आज की जो सबसे बड़ी अपडेट सारी उसको देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोग यहाँ से देखें सबसे पहले रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, यूपीटेट 2019 का रिजल्ट जारी हो चुका है इस समय की बड़ी अपडेट है। और दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आपके लिए, डीएलएड 2017 बैच चतुर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट भी जारी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र हैं तो दोस्तों उसका लिंक अभी हम आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे। लेकिन सबसे पहले आज की बड़ी अपडेट देखिए, यूपीटेट 2019 से NIOF से डीएलएड करने वाले छात्र हो चुके हैं बाहर। जी हाँ दोस्तों, काफी छात्र परेशान हो रहे थे क्या डीएलएड के छात्र बाहर होंगे। डीएलएड के छात्र बाहर हुए हैं, लेकिन दोस्तों NIOF से डीएलएड करने वाले। उसके बाद दोस्तों आज की जो तमाम बड़ी अपडेट्स उसको देखते हैं। देखिए अगर आप फेल हो रहे हैं तो आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा। जो छात्र दोस्तों 10 नंबर तक फेल हैं तो देखिए आपके 10 प्रश्नों पर याचिका दाखिल हो चुकी है। यूपीटेट 2019 के 10 प्रश्नों पर याचिका दाखिल। अगर आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर आ चुके थे, जैसे अगर आप मान लेते 80 नंबर पर हैं, 81 नंबर पर हैं, 88 नंबर पर हैं, 89 नंबर पर हैं, बिल्कुल करीब करीब हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं दोस्तों। बहुत से ऐसे प्रश्न थे जिस पर आपको कॉमन नंबर मिलने चाहिए। तो दोस्तों सरकार का एक बड़ा फैसला आ सकता है आपको कॉमन नंबर को लेकर, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। देखिए सबसे बड़ी बात आज की बताई अपडेट ये कि यूपीटेट 2019 टीईटी का एक दिन पहले रिजल्ट, ठीक है, प्राथमिक में 70 व उच्च प्राथमिक में 89% हुए छात्र फेल। सोचिए दोस्तों, रिकॉर्ड तोड़ दिया, मतलब सिर्फ 11% छात्र पास है पेपर टू में। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 11% छात्र पास हो रहे हैं। तो दोस्तों आज की सबसे बड़ी अपडेट है जिसकी आपकी नौकरी आने वाली, पेपर टू के लिए आपकी वैकेंसी आने वाली है। और यहाँ पर दोस्तों पास होने वाले छात्रों की संख्या बिल्कुल खत्म सी हो चुकी है। देखिए आपके उच्च प्राथमिक स्तर पर टोटल पंजीकृत छात्र थे 5,73,322, जिसमें से सम्मिलित हुए 5,23,000 छात्रों ने पेपर दिया। और दोस्तों जो बच्चे पास हो रहे हैं वो सिर्फ 60,000 बच्चे पास हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी अपडेट है जिसकी आपके लिए वैकेंसी आने वाली है, आप लोग के पेपर टू के लिए नौकरी आने वाली है, और आप लोग दोस्तों पेपर टू से ही बाहर। तो दोस्तों अब ये शिक्षक भर्ती जितनी लेट आएगी वही आपके लिए दोस्तों बहुत ही बेटर होगा। तब तक अगर आपने सीटेट जुलाई का दोस्तों आप तुरंत आवेदन करिए। जी हाँ दोस्तों, आंख बंद करके अब आपको सीटेट जुलाई 2020 के लिए आवेदन करना है। देखिए आप अभी परेशान मत होइए, अभी जो आपका आयोग बनेगा जो आपके लिए नौकरी लाएगा दोस्तों, अभी वो अप्रैल तक बनेगा, ठीक है ना। अगर मान लेते दोस्तों शिक्षक भर्ती में थोड़ी सी देरी होती है आपका, देखिए सीटेट का पेपर जुलाई में ही होगा और जुलाई में उसका रिजल्ट जारी होगा, तो आप अभी अपनी उम्मीद हारिए मत दोस्तों, अभी तक वो वैकेंसी आई नहीं। अगर वो वैकेंसी आ जाएगी तो सोचिए कितने कम छात्र होंगे दोस्तों जो पेपर टू पास कर रहे हैं। देखिए सिर्फ 60,000 छात्र ही क्या सम्मिलित होंगे पेपर में, तो ऐसे होता है दोस्तों वैकेंसी नहीं आ रही, वैकेंसी नहीं आ रही। जब वैकेंसी आ रही तो अब छात्रों की संख्या ही नहीं बची। देखिए भले प्राथमिक स्तर पर दोस्तों 2,94,000 समथिंग बच्चे पास हो रहे हो, लेकिन आपको दोस्तों सच्चाई यही है यहाँ पर कि प्राथमिक स्तर की वैकेंसी अभी फिलहाल जल्द में नहीं आने वाली। तो दोस्तों जो वैकेंसी आएगी वो उच्च प्राथमिक स्तर की आएगी, जिसमें छात्रों के पास होने वाली संख्या आपके स्क्रीन पर ये रही, सिर्फ 60,068 छात्र पास हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की हर एक अपडेट्स को देखेंगे। अगर अभी तक आप लोग को अपना रिजल्ट देखना है तो दोस्तों हमने कमेंट बॉक्स में आपके लिए एक लिंक दिया, तो जाइए नीचे कमेंट बॉक्स में, उसमें लिंक दिया गया, उस लिंक के माध्यम से सबसे पहले आप लोग अपने यूपीटेट 2019 का रिजल्ट देख सकते हैं, डीएलएड 2017 बैच फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल और हमारी पूरी टीम आपके लिए दोस्तों दिन भर मेहनत कर रही है कि आप लोग अपना रिजल्ट सबसे पहले देख सके, ठीक है ना। तो जितनी भी अपडेट्स आएंगी दोस्तों सबसे पहले हमारे माध्यम से आप तक पहुंचेंगी, और सभी छात्रों को ऑल द बेस्ट पहले रिजल्ट के लिए कि आपका दोस्तों रिजल्ट पास ही हो हम उम्मीद करेंगे। अगर आप फेल होते हैं तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। 10 प्रश्न हाई कोर्ट में जा चुके हैं और हर साल हाई कोर्ट से दोस्तों आपके सही उत्तरों की जो संख्या होती है ना, हर बार 2-3 नंबर तक बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो इस बार ऐसे दोस्तों बहुत से प्रश्न हैं जिस पर आपको कॉमन नंबर दिए जा सकते थे, नंबर नहीं मिले हैं। तो अभी आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, पिछले सालों में भी दोस्तों आपके हाई कोर्ट से नंबर बढ़े हैं। तो यूपीटीईटी के परीक्षा परिणाम में 5 से 21% की गिरावट आई है, लगातार 3 वर्षों से यूपीटेट सीटेट पास करने वाले भी हो गए फेल। सोचिए दोस्तों, काफी छात्र रहते हैं जो सीटेट पास किए उसके बाद भी यूपीटेट में फेल हुए। देखिए एनआईओएस से डीएलएड करने वाले छात्र हो गए बाहर। तो इस समय की दोस्तों बड़ी अपडेट में से ये सबसे बड़ी अपडेट होगी कि जो छात्र एनआईओएस से डीएलएड किए थे। जी हाँ दोस्तों, हमने जैसा आपको पहले भी बताया था कि एनआईओएस से अगर आप डीएलएड करेंगे तो आप यूपीटेट में आपके लिए वैलिड नहीं होगा। तो पूरी अपडेट देखते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटेट 2019 के परिणाम में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान या एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। केंद्र सरकार ने एनसीटीई से मंजूरी के बाद 2016 में देश भर के सरकारी गैर सरकारी विद्यालयों में पढ़ा रहे, ठीक है, अनट्रेंड शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए एनआईओएस की जिम्मेदारी दी थी। केंद्र सरकार की ओर से डीएलएड कराए जाने के बाद
भी इन अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि एनसीटीई के मानक पूरे न होने के कारण एनआईओएस से डीएलएड करने वाले को बाहर कर दिया गया। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट है, काफी छात्र एनआईओएस से आकर आवेदन किए होंगे और वो छात्र अब यूपीटेट से बाहर हो चुके हैं। उसके बाद दोस्तों ये अपडेट्स को देखते हैं जो आज के लिए आपके बड़ी अपडेट होगी टीईटी। एक दिन पहले ही रिजल्ट, प्राथमिक में 70, उच्च प्राथमिक में 89% हुए फेल। तो दोस्तों क्या पूरी अपडेट उसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटेट 2019 का परिणाम चौंकाने वाला है। निर्धारित तिथि से एक दिन पहले ही सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से जारी परिणाम में प्राथमिक स्तर पर 70% और उच्च प्राथमिक स्तर पर 89% से अधिक अभ्यर्थी फेल हो गए। परीक्षा 8 जनवरी को आयोजित की गई थी। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से जारी परिणाम के अनुसार प्राथमिक में परीक्षा में शामिल 990,744 परीक्षार्थियों में से 294,635 बच्चे पास हुए। परिणाम में 5 से लेकर 21% की गिरावट देखने को इस बार मिली है। तो सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि टीईटी में प्राथमिक स्तर पर 5.42% की गिरावट हुई है। टीईटी 2018 में 35.15 अभ्यर्थी पास हुए थे, वही उच्च प्राथमिक स्तर में दोस्तों इस बार 21.66% की गिरावट रही। पिछली बार दोस्तों आपके 33.12% छात्र पास हुए। देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर इस बार छात्रों की जो परसेंटेज थी वो बढ़नी चाहिए थी दोस्तों, क्योंकि आपके लिए नई वैकेंसी की बात हो रही थी। कितने दिन पहले दोस्तों हमने अभी आपको अपडेट दिया था कि अगर आप सही तैयारी करेंगे तभी दोस्तों आप लोग नौकरी प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन आपकी गलती की वजह से दोस्तों आप लोग खुद ही शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे। तो अभी देखिए आपके पास विकल्प क्या बचा है। देखिए अब बात होगी कि अब जो चला गया सो चला गया, लेकिन अब आपके पास विकल्प क्या होगा उसको भी देखेंगे हम, ठीक है। एक और अपडेट पहले दोस्तों देख लेते हैं कि यूपी टेट के परीक्षा परिणाम में 5 से लेकर 21% की गिरावट, वही दोस्तों अभी हमने जो बात की वही सब गिरावट की बात हो रही है, ठीक है ना। तो दोस्तों पहले हम आपको बता दें कि आपके टोटल प्राथमिक स्तर पर पंजीकृत थे 10,83,000 समथिंग समथिंग, जिसमें से दोस्तों सम्मिलित हुए थे 9,90,744 छात्रों ने पेपर दिया, जिसमें से दोस्तों पास होने वाले कैंडिडेट थे 294,635। उच्च प्राथमिक स्तर में दोस्तों आपके चौंकाने वाले नतीजे थे, मतलब होश ही उड़ जाएंगे आप लोगों की यार, कि 5,73,000 या 5,23,000 बच्चों ने पेपर दिया था। उसके बाद दोस्तों जो बच्चे पास हो रहे हैं वो सिर्फ 60,000 बच्चे करके ही पास हो रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों ये संख्या छोटी मोटी नहीं, बहुत ही बड़ी है। देखिए अगर आप लोग सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें पहले, ठीक है। अभी आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको पूरी अपडेट हम कोर्ट की अपडेट देंगे कि कोर्ट में क्या चल रहा है। पेपर टू में अगर आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर हैं, काफी छात्र दोस्तों होंगे इस बार दिक्कतें यहाँ पर आई दोस्तों, जो इस बार आपको एक प्रश्न की आपत्ति के लिए ₹500 लिया गया, नहीं तो दोस्तों अधिक से अधिक प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज होती। हो सकता है कि जिन छात्रों ने आपत्ति दर्ज कराई हो उतनी सटीक आपत्ति उनसे ना हो पाई हो। तो अभी आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं दोस्तों, काफी अधिक छात्र फेल हो रहे हैं। एक और दोस्तों अपडेट थी हमारे पास की डीएलएड 2017 चतुर्थ सेमेस्टर में 14,000 प्रशिक्षु फेल हुए। देखिए यहाँ पर भी 14,000 छात्र दोस्तों फेल होते हैं कि प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए 2 वर्षीय पाठ्यक्रम डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड 2017 चतुर्थ सेमेस्टर का परिणाम जारी हो गया है। इसमें 14,000 से अधिक अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हो गए, ठीक है हो गए। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि डीएलएड 2017 चतुर्थ सेमेस्टर के लिए 167,692 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, उनमें से 167,445 परीक्षा में शामिल हुए। 152,960 प्रशिक्षु सफल हुए, जबकि 14,440 छात्र अनुत्तीर्ण हो गए। 36 बच्चों का परिणाम अपूर्ण है। तो सोचिए दोस्तों यहाँ पर भी 14,000 बच्चे फेल होते हैं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर में। अब बताइए इनका एक साल तो बैक हो गया, तो मतलब काफी ऐसे दोस्तों गलती छात्रों ने की है। देखिए होता क्या है ना, आप लोग पढ़ाई को उतना सीरियसली लेते नहीं है, शॉर्टकट अपनाते हैं। देखिए कभी भी किसी चीज की पढ़ाई करिए तो आपको एक सिलेबस देखना ही पड़ेगा कि आखिर आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली आप पेपर में एक अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। तो अभी आपका रिजल्ट खराब है तो आप परेशान मत होइएगा दोस्तों, हम आपके लिए हर अपडेट्स को लाएंगे। कोर्ट में क्या चल रहा है दोस्तों, अभी 10 प्रश्नों पर आपकी याचिका दाखिल हुई है यूपीटेट 2019 के। तो दोस्तों ऐसे काफी प्रश्न होने वाले जिस पर अभी आपके नंबर बढ़ सकते हैं, कॉमन नंबर मिल सकते हैं अगर आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर है। तो मतलब ये नहीं है कि आज के रिजल्ट के बाद आप उम्मीद हार जाएंगे, उम्मीद नहीं हारना है, आपको तैयारी करते रहना है, ठीक है। सीटेट के लिए आप तैयारी करिए, आप यूपीटेट के लिए, ठीक है। यूपीटेट का दोस्तों पेपर आपका 2020 में ही होगा, मतलब बिल्कुल लास्ट में होगा आपका, पता ही है। जैसे आज इस बार दिसंबर में होते होते जनवरी में हुआ है पेपर किसी कारणवश, कारण दोस्तों आपको पता था CAA, तो वैसे ही दोस्तों आपका अब पेपर 2020 के लास्ट तक होगा। तो अभी आपको यूपीटेट में काफी समय लगेगा, लेकिन सीटेट
जी हाँ दोस्तों, इस समय अब आपके पास विकल्प सीटेट ही बचा है, और पेपर जब सीटेट का फॉर्म भरे तो आप दोनों पेपर भरिएगा, नहीं तो दोस्तों आपके लिए नुकसान क्या, अगर आप एक पेपर के लिए आवेदन करेंगे तो आपको 1,000 रुपये देना पड़ेगा, अगर आप दोनों पेपर के लिए आवेदन करेंगे तो आपको 1,200 रुपये, मतलब 200 रुपये ज्यादा लगा कर आप दोनों पेपर दे सकते हैं। ठीक है, सारी अपडेट्स दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो आपका रिजल्ट जारी हो चुका है, यूपी टेट का रिजल्ट यहाँ से देखिए, और यूपी टेट 2019 का रिजल्ट, तो दोस्तों उसका लिंक हमने आपको कहाँ पर दे दिया, कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में, लिंक चेक करिए और अपना रिजल्ट तुरंत ही दोस्तों देखें, और अपने दोस्तों को बताइए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। इस वीडियो को हर एक दोस्त के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उन्हें बताइए, जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उन तक यह वीडियो पहुंचना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि दोस्तों उनको यह बात पता होनी चाहिए कि हमें तैयारी कैसे करनी है। देखिए, गलत तैयारी करने से ही आपका रिजल्ट खराब होता है, अगर आप एक अच्छी और सटीक तैयारी करें तो डेफिनेटली पेपर में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आपको अभी हताश निराश परेशान नहीं होना है, मामला कोर्ट में 10 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज हुई है, तो दोस्तों वेट एंड वॉच, ठीक है ना, अभी उम्मीद नहीं हारनी है। ठीक है, फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, और जिन छात्रों के नंबर कम है तो अभी आपको दोस्तों बिल्कुल भी उम्मीद नहीं हारनी है, अधिक अपडेट के साथ हम फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।